हेलो बच्चों, चलिए तो आज शुरू करते हैं हम सेट्स के वर्ड प्रॉब्लम। क्यों बच्चों, आज हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम को ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि इसके जितने भी वेन डायग्राम थे, पॉसिबिलिटीज थे कि किस लेवल पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो सारी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली है। अब उन्हीं पॉसिबिलिटीज पर मैं आप लोगों को यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, जिसमें से सबसे पहले मैं आपको पहले एक फॉर्मूला बता दूं, ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों, अगर टू सेट्स गिवन है तो टू सेट्स के लिए फॉर्मूला होता है एन एन नंबर ऑफ, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ ए प्लस एन नंबर ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है टू सेट्स का, ठीक है? अच्छा बच्चों, थ्री सेट्स का फॉर्मूला, बस हमें थ्री तक ही सीखना है, इससे आगे सीखने की जरूरत नहीं है। एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए एन बी एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला है। आप कहोगे कि इतना बड़ा फॉर्मूला सर हम कैसे याद करेंगे, ये तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया कि इतना बड़ा फॉर्मूला बना के दे दिया और बताया भी नहीं। तो बच्चों कुछ नहीं करना, याद करने का बहुत आसान तरीका है, ए बी और सी तीनों को अलग अलग ऐड करो, ठीक है? अच्छा फिर दोनों का इंटरसेक्शन, पहले ए बी का इंटरसेक्शन माइनस करो, फिर ए सी का इंटरसेक्शन माइनस करो, फिर बी सी का इंटरसेक्शन माइनस करो, मतलब जो दो दो वाले इंटरसेक्शन है वो माइनस करो, और तीनों का इंटरसेक्शन क्या करो, प्लस करो। तीनों का इंटरसेक्शन क्या करो, प्लस। तो बस इतना सा फॉर्मूला है, बस लिखने में बड़ा हो गया है, बाकी करने में बहुत ज्यादा इजी है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपको टू सेट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है? देन उसके बाद हम थ्री सेट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 पॉइंट क्या भाई, 5 या 6 जो भी है, ठीक है? वर्ड प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला उतार लिया होगा आपने, ठीक है? हाँ जी, देखिए तो सबसे पहले 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स दिया है आपको 17, एन दिया है आपको वाई 23, और कह रहा है यूनियन दिया है आपको 38। तो कह रहा बताइए इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है, इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है। तो बस भाई फॉर्मूले के अगर अकॉर्डिंग हम काम करें तो हमारे पास टू सेट का फॉर्मूला यही होता है ना बच्चों, होता है कि नहीं? तो यूनियन कितना है 38, एक्स कितना है 17, वाई कितना है, वाई है 23, ये हमें निकालना है। तो बस बात खत्म, 38 23 और ये 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये माइनस की चीज इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस, और ये प्लस की चीज इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 2, तो यानी हमारे इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई 2, ठीक है? इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स यूनियन वाई आपको दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 18, ठीक है? और एक्स में एलिमेंट दिए हुए हैं आपको 8, और वाई वाई के एलिमेंट दिए हैं बच्चों आपको 15। तो आपसे बोला गया है इनका इंटरसेक्शन निकालिए, इसका क्या निकालिए, इंटरसेक्शन। तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये सॉल्व कराने की जरूरत है, ये आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है, अब देखो, अब बच्चों एक बात याद रखना, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर ना आपको लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है। अब लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि आपको बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब ये है कि किस वर्ड का मतलब आप क्या समझेंगे, कौन सा वर्ड आ जाए तो आपको यूनियन समझना है, कौन सा वर्ड आ जाए तो आपको इंटरसेक्शन समझना है, कौन सा वर्ड आ जाए तो बाकी आपको कंबाइन यूनियन या कंबाइन इंटरसेक्शन जो भी है ये हमें समझना है। तो जरा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, आप लोग थर्ड क्वेश्चन को करा रहा हूं मैं, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इन आ ग्रुप ऑफ 400 पीपल। देखो बच्चों अब यहां पे बोला है ग्रुप ऑफ, तो ग्रुप का मतलब होता है यूनियन। मैं लिखता जा रहा हूं क्या क्या बात हो रही है, ग्रुप ऑफ, तो ग्रुप ऑफ का मतलब होता है बच्चों यूनियन, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? चलिए कह रहा है ग्रुप ऑफ 400 पीपल, भाई एक ग्रुप है, ठीक है, 400 लोगों का, जिसमें 250 कैन स्पीक हिंदी। हाँ भाई, नंबर ऑफ पर्संस हु स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, 250 लोग हैं।
अगला कह रहा है, हाँ भाई, इंग्लिश बोलने वाले 200 लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक इंग्लिश, तो बच्चों कितने हैं इंग्लिश बोलने वाले? इंग्लिश बोलने वाले 200 लोग हैं। आगे कह रहा है कि हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो याद रखना बच्चों, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी मतलब जब भी बोथ और एंड तुम्हें दिखाई दे जाए तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। ध्यान रखना इसका, मैं लिखवाते चल रहा हूं, आप लोगों को ये ध्यान रखनी है सारी बातें, कि कहीं बाद में हवा में उड़ा दो ये सारी चीजें, बाद में कहो कि सर ये कैसे आ गया यूनियन। तो इन वर्ड्स का मतलब ही यही होता है, ग्रुप ऑफ का मतलब होता है यूनियन, और बोथ और एंड जब दिखाई दे जाए तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है जी, तो हमें भाई ग्रुप ऑफ, तो हम क्या कहें, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ हिंदी, हिंदी एंड इंग्लिश स्पीकिंग, हिंदी एंड इंग्लिश स्पीकिंग, तो हाँ जी, हिंदी एंड इंग्लिश स्पीकिंग के ग्रुप में कितने लोग हैं? 400 लोग हैं, जिसमें से 250 सिर्फ हिंदी बोलते हैं, 200 सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि बताओ इनके इंटर, नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये तो हमें पता ही नहीं है, तो बस जी यहां पे लगाएंगे हम फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होगा? हिंदी यूनियन इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। तो ये कितना है ग्रुप? 400, हिंदी बोलने वाले 250, इंग्लिश बोलने वाले 200, और ये इतना। तो भाई 400, 250 और ये 450, और इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन इधर आके माइनस हो जाएगा, और 450, ये प्लस का 400 इधर आके माइनस, तो इसका मतलब 50 लोग वो हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। 50 लोग कौन है बच्चों? जो हिंदी और इंग्लिश क्या कर सकते हैं? दोनों बोल सकते हैं। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई है कि हिंदी और इंग्लिश जो दोनों बोल सकते हैं, कितने लोग हैं? 50। अच्छा, कुछ बच्चों को यहीं पे लग रहा होगा कि क्वेश्चन गलत है, कि भाई जब 250 लोग हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले 200, तो पूरे ग्रुप में 400 लोग कैसे हो सकते हैं? ये तो यहाँ पे 450 तो यही हो गया, तो ग्रुप में, तो बच्चों एक बात याद रखना, हिंदी बोलने वाले और इंग्लिश बोलने वाले, इन दोनों को मिला के तो 450 हो रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ये 400 लोग कौन है? ये 400 लोग वो हैं जिसमें हिंदी इंग्लिश और ग्रुप वाले सारे हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने क्या किया है भाई, 50 लोग इन दोनों में वो हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, तो इसीलिए उस कॉमन को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया मैंने? कॉमन, और कॉमन को हम हमेशा हटाते हैं, जबकि यूनियन के अंदर, यूनियन के अंदर क्या करते हैं? जो कॉमन भी है उसको हम गिनते नहीं है, उसको एक में ही डाल देते हैं। समझ में आई बात? तो इसलिए ये रिजल्ट ऐसा आता है। ठीक है, फटाफट उतारिए क्वेश्चन नंबर 3, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूं। उतारिए क्वेश्चन नंबर 3, फिर मैं 4 करवाता हूं। बस बच्चों 1 मिनट का वेट कीजिएगा। हाँ जी बच्चों, तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, और करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपसे हो जाएगा वो मैं आपको ही दूंगा करने के लिए। कह रहा एस एंड टी आर टू सेट, एस और टी दो सेट हैं, एस में बच्चों 21 एलिमेंट हैं, फिर कह रहा है टी में बच्चों 32 एलिमेंट हैं, 32। अब कह रहा है कि एस इंटरसेक्शन टी में, एस इंटरसेक्शन टी में कितने? 11 एलिमेंट हैं, तो बताओ यूनियन में कितने होंगे? शायद मुझे कराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाना, आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आप कर सकते हैं खुद, ठीक है, मैं बता देता हूं। कह रहा है एक्स और वाई दो सेट हैं, एक्स में 40 एलिमेंट्स हैं, एक्स यूनियन वाई में 60 एलिमेंट्स हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 एलिमेंट है, तो बताओ वाई में कितने एलिमेंट होंगे? अरे तो ये तो खुद ही कर सकते हो यार, देखो कैसे।
जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना, तुम्हारे लेवल पे बहुत ही ज्यादा इजी लग रहे हैं, तो वो मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है? बस मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। 40 ये हमें निकालना है, ये हमारा 10, तो 60, 40 माइनस 10 30, तो क्या होगा? 30 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो हाँ जी बोलो जरा, वाई कितना आ गया? वाई के अंदर भी 30 एलिमेंट आ गए, ठीक है? इस तरीके से था, कराने की जरूरत नहीं थी, तो वैसे ही। हाँ जी, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, यहां से अच्छा है, कह रहा है एक ग्रुप में 70 लोग हैं, तो बस आपको पता ही है ग्रुप कौन है भाई, जल्दी बता दो ग्रुप कौन है। ग्रुप होता है यूनियन। अब कह रहा है जिसमें से 37 लोगों को कॉफी पसंद है, नंबर ऑफ पर्संस हु लाइक्स कॉफी, तो कितने हैं बच्चों कॉफी वाले, कितने हैं? 37। अच्छा, नंबर ऑफ पर्संस हु लाइक्स टी, तो टी कितने लोगों को पसंद है? 52, ठीक है? और 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन इन द टू ड्रिंक्स, और हर हर इंसान को, हर पर्सन को इन दोनों में से कोई एक चीज तो पसंद है, पक्का पसंद है, ठीक है? चलिए अब कहते हैं हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, तो आपको तो पता ही है भाई बोथ का मतलब क्या होता है भाई, इंटरसेक्शन, ठीक है? तो यानी यहां पे पूछा गया है नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफी कॉफी नहीं, ऐसा लिखा नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप हु लाइक कॉफी एंड टी, तो कितने लोग हैं भाई कॉफी एंड टी वाले, कितने लोग हैं भाई बताओ? 70 लोग हैं। कितने लोग हैं? 70 लोग हैं, ठीक है? जो पूरे ग्रुप में कितने लोग हैं? 70। खाली कॉफी पसंद करने वाले 37, खाली टी पसंद करने वाले 52। एक काम करता हूँ, इसको और सही से लिख देता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ एन सी 37, इसको और अच्छे से लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ एन टी, इसको लिखता हूँ 52, और इसको लिखता हूँ एन सी यूनियन टी, क्योंकि ग्रुप ऑफ का तो मतलब यूनियन होता है ना। कितना था ये? 70, ठीक है? और हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक बोथ हु लाइक्स बोथ कॉफी एंड टी, तो बोथ और एंड आ गया तो क्या रहेगा? हमें निकालना है इंटरसेक्शन। हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो शायद मेरे हिसाब से इसमें कोई खास काम करने की जरूरत नहीं है, कॉफी टी कॉफी इंटरसेक्शन टी, तो ये कितना है? 70, ये कितना है? 37, ये कितना है? 52। भाई इंटरसेक्शन निकालना है, खत्म कहानी। 70, 50, 30, 80 और ये 89, यही है ना, ठीक? माइनस एन, हाँ भाई, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, वो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 19। तो 19 लोग ऐसे हैं जिसे कॉफी और टी दोनों पसंद है, ठीक है? बोथ। अगला कौन है? सातवां, ठीक है? सात में से पहले आठवां देखो, फिर सातवां कराता हूं, पहले आठवां करवाऊंगा, ठीक है? अच्छा, इसमें लिखा है देखो, इन अ कमेटी, एक कमेटी में 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं, नंबर ऑफ पर्संस हु स्पीक्स फ्रेंच, तो बच्चों फ्रेंच बोलते हैं 50 लोग। अगला कह रहा है 20 लोग स्पेनिश बोलते हैं, नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक स्पेनिश स्पेनिश, कितने हैं? 20 बंदे। अब कह रहा 10 बंदे दोनों बोलते हैं, नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड स्पेनिश, तो कितने हैं फ्रेंच एंड स्पेनिश? 10। तो कह रहा है हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं इसको, मैं एक काम करो, नोट करो नोट करो नोट करो, इसको वीडियो पॉज करके यहां तक नोट करो, पांचवा वाला नोट करो, पांच क्या छह तक नोट कर दो, पूरा पूरा नोट करो, मैं उतार रहा हूं या मिटा रहा हूं फिर मैं। चलो आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा, ठीक है? ठीक है, नोट कर लिया होगा, देखो जरा। हाँ भाई, तो क्या है, मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा था, जब भी आ जाए ये वर्ड, जब भी ये वर्ड आ जाए, क्या एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू, ठीक है?
एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू या एटलीस्ट वन ऑफ टू थ्री कुछ भी आ जाए, थ्री कुछ भी आ जाए, तो समझ जाना कि इसका मतलब होता है, इस पूरे का मतलब होता है यूनियन। इस पूरे का मतलब क्या होता है? यूनियन। ध्यान से देख लो फिर से, क्या बोला मैंने कि एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू या थ्री, अगर ऐसा कोई कंटेंट आपके सामने दिख जाता है तो तुरंत उसका मतलब क्या समझेंगे? यूनियन। तो देखो यहां पे क्या बोला, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, ठीक है, टू लैंग्वेजेस। तो कितने, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है फ्रेंच, यूनियन, स्पेनिश। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कुछ भी बताने की आपको एक्स्ट्रा जरूरत है। सही बात है। एफ कितना है? 50। एस 20, ये 10। 50 20 70 माइनस 10 60 आ गया आंसर। इस तरीके से कुछ है। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लो, बस लैंग्वेज समझ जाना। एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू या थ्री का मतलब होता है क्या? यूनियन। इसके बाद मैं कराता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? चलो नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर देखो 7। अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि एक ग्रुप में 65 लोग हैं जिसमें से 40 क्रिकेट खेलते हैं और 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। ध्यान से देखना। हाँ जी, नंबर ऑफ पर्सन हु प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट कितने लोग खेल रहे हैं? 40, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन हु प्लेज क्रिकेट, क्या क्रिकेट और टेनिस, नंबर ऑफ प्लेज हु प्लेज टेनिस, ठीक है भाई, हु प्लेज टेनिस, तो टेनिस तो मेरे को पता ही नहीं है तो मैं एनटी कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा अगला क्या है? नंबर ऑफ पर्सन भाई 10, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन हु प्लेज बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो वो कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, ठीक है, और पूरे ग्रुप में कितने लोग हैं? 65 लोग। नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप ऑफ क्रिकेट एंड टेनिस, हाँ भाई, तो ग्रुप ऑफ टेनिस में कितने भाई? 65, ठीक है। तो अब इसने दो क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, दो क्वेश्चन पूछे हैं, तो बताओ हाउ मैनी लाइक टेनिस। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी लाइक टेनिस, कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं, पहला ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, बट नॉट क्रिकेट। अब लो भाई, अब हमारे सामने ही आ गया, समझ में आ गया, बट नॉट वाला केस आ गया ना, तो यानी कि क्या करेंगे? टेनिस में से क्रिकेट माइनस। तो देखो जरा, पहले तो टेनिस निकालो, पहले फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट निकालो, क्रिकेट यूनियन टेनिस बराबर क्रिकेट प्लस टेनिस माइनस क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस, ये फर्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं। ये कितना है? ये है हमारा 65, ये 40, ये पता नहीं, ये 10, तो 65 40 में 10 गया 30, तो भाई ये इधर आके माइनस होगा, 65 माइनस 30 और ये आ गया 35, तो इसका मतलब टेनिस खेलने वाले 35 लोग हैं। टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं? 35 लोग हैं। अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे बोला है कि हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, यानी सिर्फ टेनिस पसंद करें लेकिन क्रिकेट पसंद ना करें। तो देखो बट नॉट वाले केस में मैंने क्या बताया था आपको भाई, जब भी अगर बात आ जाए टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, तो इसका मतलब है टेनिस तो चाहिए लेकिन क्रिकेट नहीं चाहिए, यही होता है ना इसका मतलब भाई। भाई हम माइनस कब करते हैं? कि जब इसके एलिमेंट तो चाहिए लेकिन इसके एलिमेंट नहीं चाहिए, मतलब टी माइनस सी। और इसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने? इसका फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने टी माइनस टी इंटरसेक्शन सी, टी माइनस टी इंटरसेक्शन सी। और अगर मान लो ये सी माइनस टी होता तो क्या करते? सी माइनस टी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन तो कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो भाई, हमें तो क्या चाहिए? टी माइनस सी। तो यहां पे टी माइनस टी इंटरसेक्शन सी कैसे बना? वेन डायग्राम से समझो। हाँ भाई, क्रिकेट
टेनिस, क्रिकेट, टेनिस। हमें क्या चाहिए भाई? हमें सिर्फ टेनिस वाले चाहिए, हमें सिर्फ टेनिस वाले चाहिए, हमें क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब मैं काम किसके लिए करूंगा? सिर्फ टेनिस के लिए करूंगा। मैं काम किसके लिए करूंगा? टेनिस के लिए। तो मुझे क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे टेनिस में ऐसा कौन सा हिस्सा है जो टेनिस के साथ साथ क्रिकेट को भी बिलोंग करता है? तो इसको करता है। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं इस पूरे टेनिस में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दूंगा, तो देखो सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास? टेनिस बचेगा। तो बस पूरे टेनिस में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट घटा दो, तो हमारे पास ओनली टेनिस आ जाएगा 25। तो यानी 25 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, 25 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। तो देखो मैंने आपको A to Z सारी चीजें बता दी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो वेन डायग्राम इसीलिए सिखाए जाते हैं, ठीक है? नोट करो इसे, नोट करो बच्चों, नोट करो। फिर मैं ना आपको इसके बाद एक 5 नंबर वाला एग्जाम्पल करवाता हूँ, उस एग्जाम्पल नंबर 27, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है वाजीवा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। देखो इसके बाद, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 27, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 27 में? कह रहा है देयर आर 200 इंडिविजुअल्स। देखो अब यहां पे एक वर्ड आया है इंडिविजुअल्स, तो जब भी इंडिविजुअल आ जाए, सर्वे आ जाए, तो ऐसा ना, ऐसे सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं, सबसे बड़ा सेट, ठीक है? इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर, मतलब 200 लोगों की चेकिंग की गई, जिसमें से 120 लोग जो है केमिकल C1 से सही हो रहे हैं, और 52 केमिकल C2, और 50 लोग केमिकल C2 से सही हो रहे हैं, और कह रहे 32 बोथ केमिकल C1 एंड C2, और 30 लोग केमिकल C1 और C2 से सही, दोनों से सही हो रहे हैं। तो कह रहा बताओ कि ऐसे कितने केस बनेंगे जिसमें बंदा C1 से सही हो रहा है, केमिकल C1 बट नॉट C2, यानी C1 से तो सही हो रहा है लेकिन C2 से सही नहीं हो रहा। सेकंड कह रहा है C2 बट नॉट C1, है ना, C2 से तो सही हो रहा है लेकिन C1 से सही नहीं हो रहा, और अगला C1 और केमिकल C2। चलो सिंपल, पहले तो जो जो बोला उसने पहले वो कर लो, जो जो बोला पहले, एग्जाम्पल नंबर 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्किन डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर्स। हाँ भाई, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो स्किन डिसऑर्डर टोटल कितने हैं? टोटल 200 स्किन डिसऑर्डर्स चेक किए गए। अगला कह रहा है 120 एक्सपोज्ड बाय क्या? केमिकल C1। टोटल नंबर ऑफ पर्संस हु एक्सपोज Who exposes by chemical C1? तो कितने लोग हैं? 120। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु एक्सपोजेस बाय केमिकल C2। हाँ जी, C2 से कितने लोग हैं? 50 लोग। और टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु एक्सपोजेस बाय केमिकल C1 एंड, नहीं बोथ, यहां पे लिखेंगे केमिकल केमिकल बोथ C1 एंड C2, तो उससे कितने लोग हैं? 10, नहीं सॉरी 10 नहीं, 30, 30 लोग हैं, ठीक है? अब कह रहा है बताओ तो कितने लोग, पहला केस, कितने लोग केमिकल C1 से तो सही हो रहे हैं बट नॉट C2 से, तो मैंने आपको बता रखा ना ऐसे केस को कैसे निकालते हैं, C1 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। तो C1 कितना है? 120। ये इंटरसेक्शन कितना? 30। तो आंसर कितना है? 90। तो पहले का आंसर 90। सेकंड, अब सेकंड में पूछा C2 बट नॉट C1, C2 बट नॉट C1, तो ऐसे में क्या लिखेंगे? C2 तो चाहिए लेकिन इसका इंटरसेक्शन हम क्या कर देंगे? माइनस। तो C2 कितना है? 50 माइनस ये कितना है? 30, और ये कितना आ गया? 20। ये कितना आ गया? 20। अच्छा, थर्ड केस में लिखा हुआ है, कि हाँ भाई थर्ड केस में लिखा हुआ है केमिकल C1 और C2, केमिकल C1 और C2। तो जब भी किसी दो कंटेंट के बीच में और लगा हो तो समझ जाना कि वो यूनियन होता है, समझ जाना कि वो कौन होता है? यूनियन होता है, क्योंकि और यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो बस बात खत्म। यूनियन कैसे निकालते हैं? C1 प्लस C2
माइनस सी वन इंटरसेक्शन सी टू, पांच नंबर में कई बार आया हुआ है। सी वन कितना जल्दी बताओ, सी वन है 120, ये कितना है 50, ये कितना है 30, तो कितना आ जाएगा 140 ऐड करके। तो ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी? देखो मैंने आपको डायरेक्ट हर चीज का फॉर्मूला ही बनाना सिखा दिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पांच नंबर का देख लो, ऐसा नकली सा क्वेश्चन आता है चार पांच नंबर में जो भी है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 26, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 26, ठीक है, फिर 25 तो आप खुद ही कर लोगे, 25 आप खुद ही कर लोगे, 24 भी खुद ही कर लोगे, 24 25 खुद कर लोगे, 26 मैं करा देता हूँ। ठीक है, फिर और भी नए नए क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा मैं, तो टेंशन ही मत लो। हाँ जी, तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, एक सर्वे हुआ, इन अ सर्वे। लो भाई मैंने क्या बताया था कि सर्वे आ जाए, इंडिविजुअल आ जाए, इन्वेस्टिगेट आ जाए, ऐसा सॉरी ऐसा कोई भी वर्ड आ जाए तो समझ लेना वो यूनिवर्सल सेट है। तो हाँ जी, सर्वे हुआ है 400 बच्चों का, स्टूडेंट का, एक स्कूल में। कह रहा 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, सो वो हैं जिन्होंने सेब का जूस पसंद किया, मतलब जो सेब का जूस पी रहे हैं। 150 वो बच्चे हैं जो ऑरेंज का जूस पी रहे हैं, और 75 वो बच्चे हैं जो एप्पल और ऑरेंज दोनों का जूस पी रहे हैं। तो बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं, है ना? फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, ना ही सेब का जूस पी रहे हैं ना ही ऑरेंज का जूस पी रहे हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं, ये मिटाता हूं पहले मैं। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन अ सर्वे, इन अ सर्वे। हाँ भाई, सर्वे में कितने लोग थे? 400 बच्चे। हाँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हु टेक्स एप्पल जूस, ठीक है, तो कितने हैं भाई जो एप्पल जूस पसंद कर रहे हैं? वो हैं कितने? वो हैं आपके 100, 100 बच्चे। और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक्स ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस, तो कितने हैं भाई? ऑरेंज जूस वाले हैं 150 बच्चे, 150 बच्चे। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक्स भाई क्या, बोथ बोथ एप्पल एंड ऑरेंज जूस, तो कितने हैं बच्चों? 75। कितने हैं वो? 75। तो आपसे बोला गया है, आपसे बोला गया है भाई, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, हु टेक्स नाइदर एप्पल, नाइदर एप्पल नोर नोर ऑरेंज जूस, नोर ऑरेंज जूस। हमें बच्चों ये निकालना है, ठीक है, एक मिनट। हाँ जी बच्चों, तो क्या बता रहा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक्स नाइदर एप्पल नोर ऑरेंज जूस। अच्छा, नाइदर एप्पल नोर ऑरेंज जूस, इसको लिखा कैसे जाएगा? तो इसको बच्चों ऐसे लिखा जाएगा, एप्पल नहीं चाहिए, ठीक है जी, एप्पल नहीं चाहिए, इंटरसेक्शन नोर ऑरेंज जूस, और ना ही हमें क्या चाहिए ये। अच्छा, अब कहोगे कि सर इंटरसेक्शन ही क्यों आया? नहीं भाई, अगर इंटरसेक्शन नहीं चाहिए तो देखो, अगर नाइदर एप्पल नोर जूस करके लगाना है तो नाइदर एप्पल ना ही ये, इंटरसेक्शन क्यों लगाया? रीजन, अब देखो समझना, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है भाई? जो कॉमन आए भाई, जो क्या है? कॉमन आए। तो कॉमन कब, कॉमन कौन से बंदे चाहिए हमें? जो ना ही एप्पल के, यानी कोई जूस ही नहीं पी रहे हो असल में, हमें नाइदर नाइदर, क्योंकि हमारे पास अब जूस ही दो है,
ठीक है। अब ये मत कहना कि भाई अगर वो एप्पल का जूस नहीं पी रहे, ऑरेंज का जूस नहीं पी रहे, तो हो सकता है भाई वो बनाना शेक पी रहे हो, हो सकता है वो मैंगो शेक पी रहे हो। अरे भाई वो कोई सा भी शेक पिए या कोई सा भी जूस पिए, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन अभी क्वेश्चन में आपके पास कितने जूस अवेलेबल हैं? आपके पास क्वेश्चन में एप्पल और ऑरेंज का जूस अवेलेबल है। बाहर जाके वो किसी के भी जूस पी ले भाई या ना भी पिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्वेश्चन से मतलब है। क्वेश्चन में एप्पल और ऑरेंज का जूस है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो भाई ना ही एप्पल का जूस पी रहा वो, ठीक है, और ना ही ऑरेंज का जूस पी रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के बीच में कॉमन क्या है? दोनों के बीच में कॉमन ये है उन बच्चों में कि वो कोई सा जूस ही नहीं पी रहे। तो इसलिए हमने क्या लगाया? इंटरसेक्शन, कि ना वो एप्पल का कोई जूस पी रहे हैं, ना वो ऑरेंज का कोई जूस पी रहे हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कॉमन। तो कॉमन क्या बात है? कॉमन ये बात है कि वो दोनों कोई जूस पी ही नहीं रहे, ना एप्पल वाला ना ऑरेंज वाला। तो बस इसको आपको मैंने बताया था डी मॉर्गन लॉ से करते हैं। तो ये डी मॉर्गन लॉ से होगा। कैसे होगा? इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन, ए नॉट इंटरसेक्शन ओ नॉट, ये होता है ए यूनियन ओ का होल नॉट। याद आया? ये क्या होता है? ए यूनियन ओ का होल नॉट। और अब मैं आपको बता दूं, जब इसके ऊपर नॉट लगा हुआ है तो आपको पता है ना नॉट कैसे निकाला जाता है? यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे ओरिजिनल, यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे ओरिजिनल। क्या हमारे पास ए यूनियन ओ है? जी नहीं। हमें निकालना पड़ेगा ए यूनियन ओ। कैसे निकालेंगे? एन ए एन ओ एन ए इंटरसेक्शन ओ। हाँ जी, तो एन ए कितना है? 100। ये कितना है? 150। ये कितना है? 75। तो 100 150 में 75 गए 75, तो ये 175। तो ये आ गया हमारा यूनियन। नाउ अब हमें आंसर निकालना है इसका। किसका आंसर निकालना है? ना ही एप्पल जूस पसंद और ना ही ऑरेंज जूस पसंद। तो भाई टोटल कितने बच्चों का सर्वे था? 400। और कितने बच्चों को जूस पसंद है? तो 175 बच्चों को जूस पसंद है। तो कितने बच्चों को ये दोनों जूस पसंद नहीं है? तो माइनस कर दो 225। तो बच्चों 225 बच्चों को ये को इनमें से कोई सभी जूस पसंद नहीं है, इनमें से कोई सभी जूस पसंद नहीं है, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसके बाद आप बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि आप कौन सा होमवर्क कर सकते हो। तो आप लोग मिसलेनियस में ना, बता देता हूँ, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये करना। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 13 और 14, ठीक है। मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को आप लोग करना। बाकी देखो सारा मैंने करवा दिया, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, और फिर ये चैप्टर खत्म होने की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो आज यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन और भाई नए टॉपिक्स और नए इरादे के साथ, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।